Hello everyone, I am Pragati from Pragati Progress Classes. Today we are going to learn. Hello everyone, I am Pragati from Pragati Progress Classes. Today we are going to learn My Neighborhood 7th chapter. In this chapter, we will learn people who live very near our houses or our neighbors. In our neighborhood, many people are helpful to us. Many important places make our neighborhood. Different people and their occupation in our neighborhood. What we can do for our neighborhood? Do you find these places near your house? Yes or no? आप अपने घर के नजदीक क्या ये places पाते हैं? है ना, नजदीक में है? जैसे school, playground, bank, market. है ना, जहाँ भी हम वहीं पे घर बनाते हैं या रहते हैं जहाँ हमारे लिए ये सारी सुविधा उपलब्ध होती है. है ना, पहले हम घर बनाने से पहले देखते हैं कि क्या हमारे घर से नजदीक में स्कूल है, प्लेग्राउंड है, मार्केट है, बैंक है. है ना, ये सारी चीजें की जरूरत हमें बार बार पड़ती रहती है. तो अगर दूर रहने से हमें प्रॉब्लम होती है. When we come out from our house, we find other people around us. They live in other houses. These people around us are our neighbors. जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम अपने आसपास ये ढूंढते हैं कि हमारे घर के आसपास कोई हाउस है और जो हमारे आसपास रहते हैं उसको नेबर्स बोला जाता है. वो हमारे नेबर यानी पड़ोसी होते हैं. And the houses, other buildings like a school, a bank, shop, a post office, offices, parks, a hospital, form our neighborhood. और ये हमारे neighborhood का form है, है ना? जी, अभी जो house हमारे घर के नजदीक है वो हमारे neighbors हैं और ये हमारे neighborhood में आता है कि हमारे neighborhood में, हमारे society में ये सारी सुविधा उपलब्ध है. है ना, इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड. देयर आर सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस क्लोज टू आवर हाउसेस. दे आर शॉप्स, स्कूल्स, बैंक्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा. है ना, इम्पोर्टेंट प्लेसेस हमारे नेबरहुड में होता है जो हमारे घर के बिल्कुल क्लोज होता है. दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर के डिफरेंट में ये सारी चीजें हमें सुविधा मिल जाती है. है ना, जैसे शॉप्स हो गए, स्कूल्स हो गए, बैंक, मार्केट, हॉस्पिटल्स. अ गुड नेबरहुड हैज थाना. है ना, पुलिस स्टेशन, स्कूल, मार्केट, बैंक, ये सारी चीजें हैं. जहाँ भी ये सारी चीजें होते हैं वहाँ पे हमारा हमारे लिए रहना इजी हो जाता है. आवर नेबरहुड आल्सो हैज अ पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस एंड अ शॉपिंग मॉल. नेम द प्लेस वेयर यू गो टू पोस्ट अ लेटर, पोस्ट ऑफिस. यू गो टू प्ले ग्राउंड. योर फादर टेक्स योर ग्रैंड फादर फॉर अ चेकअप, हॉस्पिटल. ना, चेकअप के लिए दादाजी को कहाँ ले जाते हैं? तो हॉस्पिटल. योर मदर वॉन्ट्स टू बाई क्लॉथ एंड देन वॉच अ मूवी. तो कहाँ जाते हैं? मार्केट में जाते हैं. डिफरेंट पीपल इन आवर नेबरहुड. इन आवर नेबरहुड मेनी पीपल आर हेल्पफुल टू अस. दे डू डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स. By serving the people of the neighborhood, they earn money for their living. हमारे neighborhood में बहुत सारे people होते हैं जो हमारे लिए help, हमें help करते हैं. है ना, they do different kinds of jobs. वो different kinds के job करते हैं. जो भी हमें जरूरत पड़ती है वो सारे काम वो हमारे नेबरहुड में करने वाले मिल जाते हैं. जैसे हमें प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, हमारा नल खराब हो जाता है, तो हम किसे बुलाते हैं? प्लम्बर को बुलाते हैं. है ना, और हमारा अगर टीवी खराब हो जाता है तो हम किसे बुलाते हैं? मैकेनिक को बुलाते हैं. है ना, तो ये हमारे सारे नेबरहुड में इजिली मिल जाते हैं और हमें हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है. अ वॉचमैन गार्ड आवर होम, फ्लैट, बिल्डिंग एंड पार्क.
ये वॉचमैन को आप लोगों ने देखा होगा जो फ्लैट और बिल्डिंग की गार्डिंग करते हैं ताकि कोई भी आदमी अनावश्यक बिल्डिंग में ना आ जाए। आप पुलिस प्रोटेक्ट पीपल इन डिफरेंट वेज, पुलिस प्रोटेक्ट करता है लोगों को, है ना। आ स्वीपर क्लीनर क्लीन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स, जो स्वीपर होते हैं क्लीनर होते हैं वो रोड को सफाई करते हैं ताकि अपने सोसाइटी साफ सुथरा रहे, है ना। सारे लोग तो अपने अपने काम करते हैं तो फिर सोसाइटी हमारा गंदा रह जाता है, इसलिए स्वीपर उसको क्लीन करते हैं। अ डोमेस्टिक हेल्पर क्लीन्स आवर होम्स यूटेंसिल्स एंड पासेस क्लॉथ। अभी कितने बच्चों के घर में कपड़े धोने के लिए और घर को साफ करने के लिए, बर्तन धोने के लिए भी आते हैं, तो वो भी हमारे हेल्पर हैं। अ बार्बर गिव्स अस द बेस्ट हेयर स्टाइल बाय कटिंग आवर हेयर, और बार्बर हमारा हेयर कट करके हमें बेस्ट स्टाइल देता है, और हेयर कट करने से क्या होता है, हम स्मार्ट भी दिखते हैं। अ कॉबलर रिपेयर्स आवर ब्रोकन सैंडल्स, जब हमारे सैंडल शूज ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो हम किसके पास जाते हैं, कॉबलर के पास जाते हैं। और टेलर स्टिच आवर ड्रेसेस, और जब यूनिफॉर्म सिलवाना रहता है तो टेलर के पास जाते हैं ना, वो सिलते हैं। अ टीचर टीच अस एट अ स्कूल, टीचर हमें स्कूल में पढ़ाती है। अ डॉक्टर ट्रीट्स आवर इलनेस इन अ हॉस्पिटल, डॉक्टर हमें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं। अ कारपेंटर मेक्स ब्यूटीफुल फर्नीचर, कारपेंटर जो वुड होता है ना उससे काट के वो अच्छे अच्छे फर्नीचर बना देते हैं। तो आपने देखा होगा आपके घर में टेबल चेयर ये सारे होते हैं ना, तो वो किससे बनते हैं, वुड से बनते हैं, और कौन बनाता है, कारपेंटर। अ बेकर बेक्स केक्स एंड पेस्ट्रीज, बेकर आपको कौन से शॉप में केक मिलता है, बेकरी में मिलता है, तो ये कौन बनाता है, बेकर। अ ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स कौन सेल करता है, ग्रीन ग्रोसर। अ फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट्स, फ्रूट सेलर फ्रूट सेल करता है। और ड्राइवर ड्राइव्स अ कार, और ड्राइवर कार ड्राइव करते हैं, बस ड्राइव करते हैं, ये सारे हमारे लिए हेल्प करते हैं। अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स एंड पार्सल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू डिफरेंट हाउसेस, और जो पोस्टमैन होते हैं वो डिलीवर करते हैं लेटर सबके घर पे जा जाके। पीपल हु इंटरटेन अस, एन ऑथर राइटर राइट बुक्स एंड अ स्टोरी, अब हमारे लिए ये तो सारे जो थे ड्राइवर पोस्टमैन मास्टर फ्रूट सेलर, ये हमें डेली लाइफ में हमें हेल्प करते हैं हमारी जरूरतों को। अब जब हम थक जाते हैं तो हमें इंटरटेन की जरूरत होती है रिफ्रेश होने के लिए, तो अभी देखिए कौन कौन सा हमें इंटरटेनमेंट करवाते हैं। तो एन ऑथर राइट राइटर राइट बुक्स एंड स्टोरी, जैसे बुक्स और स्टोरी लिखते हैं जिसे पढ़ के हम इंजॉयमेंट करते हैं। और एन एक्टर्स एक्ट इन मूवीज प्लेस एंड टीवी शोज, तो एक्टर एक्ट करते हैं, आपने सीरियल देखते हो कार्टून देखते हो, तो इसमें ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट का ये मूवी बनाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। अ सिंगर सिंग सॉन्ग, जब हम थक जाते हैं तो हम सिंग सॉन्ग सुनते हैं और हमें एंटरटेनमेंट होता है, हम हैप्पीनेस फील करते हैं। अ प्रोड्यूसर मेक्स मूवीज और टीवी शोज, और प्रोड्यूसर मूवी बनाता है और टीवी शो बनाता है। अब फोटोग्राफर क्लिक पिक्चर, फोटोग्राफर पिक्चर क्लिक करते हैं, ये सारे एक मूवी बनाने में हमें एंटरटेन करने में हेल्प करते हैं। इन अ नेबरहुड एवरीवन डज समथिंग और द अदर, ऑल टाइप्स ऑफ वर्क आर इम्पोर्टेंट, हमारे लिए सारे प्रकार के जो वर्क हैं वो इम्पोर्टेंट है। वी मस्ट वैल्यू एंड रिगार्ड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन आवर नेबरहुड, हमारे जो भी पड़ोस में है उनको सबको वैल्यू देने की जरूरत है, यानी उनके रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, क्योंकि ये सभी हमारे लिए हेल्पफुल है। दिस विल मेक आवर नेबरहुड अ वंडरफुल प्लेस टू लिव इन, जहाँ पे ये सारे लोग रहते हैं तो हमारा नेबरहुड बहुत ही अच्छा प्लेस बन जाता है हमारे सोसाइटी, जहाँ पे कि ये सारी सुविधाएं हमें नियरेस्ट मिल जाती है। आवर ड्यूटी टुवार्ड्स आवर नेबरहुड, हमारा क्या ड्यूटी है हमारे नेबरहुड के प्रति,
We have certain duties to make our neighborhood a better place to live in. हमारी ड्यूटी है कि हम अपने नेबरहुड को एक बेटर प्लेस बनाए रहने के लिए. देयर आर फर्स्ट वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन. हमें अपने नेबरहुड को क्लीन रखना चाहिए. द गार्बेज फ्रॉम आवर हाउसेस शुड नॉट बी थ्रोन ऑन रोड स्ट्रीट्स बट इन प्रॉपर बिग डंपिंग एरियाज. हम जो भी गार्बेज है वो हमें रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, है ना, रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए. ये सारा है जो जहाँ पे डंपिंग एरिया है वहाँ पे ही जाना चाहिए. वी मस्ट रेस्पेक्ट ऑल मेंबर्स ऑफ आवर नेबरहुड इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जॉब्स. हमारे जो भी नेबरहुड के मेंबर्स हैं उन सबको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना. उनके जॉब के लिए ये नहीं कि जो क्लीनर है तो वो तो क्लीनर वाले अंकल हैं तो वो भी रेस्पेक्ट के योग हैं. जैसे डॉक्टर हमें हेल्प कर रहे हैं, जैसे हमें टीचर हेल्प कर रहे हैं, इस तरीके से वो क्लीनर अंकल वो सब भी हमारे हेल्प कर रहे हैं. बी अ पार्ट टू मेक योर लिविंग प्लेस अ बेटर प्लेस. यहाँ पे कीवर्ड दिया हुआ है नेबर्स, द पीपल हु लिव वेरी नियर आवर हाउसेस. जो हमारे घर से बहुत ही नजदीक जिनके घर होते हैं वो हमारे नेबर्स होते हैं, नेबर्स होते हैं. और नेबरहुड द प्लेस नियर आवर होम्स फ्रॉम आवर नेबरहुड. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इफ यू लाइक माय वीडियो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. 8 9 2